हाय फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है 2 सितंबर। 2 सितंबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहाँ से हम कवर करेंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और बैक टू बैक बहुत सारे एग्जाम ही, इसलिए मन लगा के पढ़िए और सिलेक्शन लीजिए 2022 एंड तक। SSC, रेलवे, UPSC, बैंक, रेलवे, कोई भी एग्जाम हो आपके करंट अफेयर सभी एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। और आपके सभी एग्जाम में 5 से 6 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर से क्वेश्चन देखे जाते हैं, जो कि आपके ग्रुप डी में जो कि करंट अफेयर से क्वेश्चन जो कि 5 से 6 क्वेश्चन बन रहे देख ही रहे हैं, हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आज के करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ पे कवर करते हैं। तो आज हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही मलेशिया ने किस दिन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? तो 29 अगस्त, 31 अगस्त, 30 अगस्त, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में 31 अगस्त को मलेशिया ने अपना जो कि स्वतंत्रता दिवस मनाया है, तो 31 अगस्त को मलेशिया ने अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है, तो यह 31 अगस्त है। तो इसी दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मलेशिया ने अपना यह दिवस मनाया गया, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही महाराष्ट्र में कहाँ दिव्यांग कार्य का उद्घाटन किया गया है? तो पुणे, मुंबई, नागपुर, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में महाराष्ट्र के जो कि नागपुर में आता है, तो यहाँ पे नागपुर में जो कि दिव्यांग पार्क को यहाँ पे उद्घाटन किया गया है, तो इसका सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नागपुर में जो कि दिव्यांग पार्क को उद्घाटन किया गया है, तो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दिव्यांग पार्क कहाँ खोला गया है, उद्घाटन किया गया है, तो नागपुर में जो कि महाराष्ट्र में आता है, तो इसका सी ऑप्शन नागपुर सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने कृषि मजदूरों के लिए विद्या निधि योजना का विस्तार किया है? तो उत्तराखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, महाराष्ट्र। तो हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कृषि मजदूरों के लिए जो कि विद्या निधि योजना का विस्तार किया गया है, तो ये कर्नाटक सरकार द्वारा यह जो कि कृषि मजदूरों के लिए यहाँ पर विद्या निधि योजना का विस्तार किया गया है, तो यह कर्नाटक में किया गया है, तो याद रखिएगा, इसका भी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अभिजीत सेन का निधन हुआ, वो कौन थे? तो गायक, पत्रकार, अर्थशास्त्री या डी इनमें कोई नहीं। तो हाल ही में अभिजीत सेन जिनका निधन हुआ है, पेशे से जो कि एक अर्थशास्त्री हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है, तो अभिजीत सेन जो कि अर्थशास्त्री हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने किसे IMF में भारत का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया? तो मुकुल जैन, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम, अनुराग ठाकुर, डी इनमें कोई नहीं। तो हाल ही में कैबिनेट की नियुक्ति जो कि समिति ने IMF में भारत का जो कि कार्यकारी निदेशक के रूप में जो कि कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम को अब नया नियुक्त करके जो कि IMF में भारत का कार्यकारी निदेशक इनको कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी को नया नियुक्त किया गया है, तो याद रखिएगा, इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में टाटा स्टील ने कहाँ स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए पंजाब सरकार के साथ समझौता किया है? तो लुधियाना, अमृतसर, जालंधर या डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में टाटा स्टील ने जो कि लुधियाना में जो कि स्टील प्लांट स्थापित करने के लिए जो कि यहाँ पंजाब सरकार के साथ समझौता किया गया है, तो लुधियाना में जो कि टाटा स्टील ने जो कि यहाँ पर प्लांट स्थापित करने के लिए पंजाब सरकार के साथ यह समझौता किया है, तो यह लुधियाना में जो कि इस प्लांट को लगाया जाएगा, तो लुधियाना आपके पंजाब में आता है, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा, लुधियाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम दोराईस्वामी, प्रणय कुमार वर्मा, नागेश सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में थाईलैंड में भारत के राजदूत के रूप में जो कि नागेश सिंह को नियुक्त किया गया है, तो थाईलैंड के जो कि नए राजदूत जो कि भारत के तरफ से नागेश सिंह को इनको नियुक्त किया गया है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नागेश सिंह जिसको भारत के राजदूत के रूप में थाईलैंड में इनको नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में एक विशाल दवा पार्क बनेगा? तो केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो हाल ही में आंध्र प्रदेश में जो कि एक विशाल दवा पार्क बनेगा, तो यह आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा जो कि विशाल यहाँ पार्क बनाया जा रहा है, तो यह आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा लाया जा रहा है, तो यह विशाल दवा पार्क आपके आंध्र प्रदेश में जो कि यहाँ बनेगा, तो इसका भी आपको सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, हाल ही में मर्सिडीज बेज इंडिया के प्रबंध निदेशक और CEO कौन बने? तो संतोष अय्यर, धर्मवीर सिंह, विजेंद्र सिंह, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में मर्सिडीज बेज इंडिया के प्रबंध निदेशक और CEO बने हैं संतोष अय्यर, जिनको हाल ही में इनको मर्सिडीज बेज इंडिया और प्रबंध निदेशक के CEO के रूप में इनको संतोष अय्यर को नियुक्त किया गया, तो इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा।
दसों क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय रेलवे ने कहा मेघदूत मशीनें लगाई गई है, तो वाराणसी स्टेशन, मुंबई स्टेशन, गोरखपुर स्टेशन या फिर मेष पुनी। तो हाल ही में भारतीय रेलवे ने जो कि यहाँ पे मुंबई स्टेशन में जो कि महाराष्ट्र में मेघदूत मशीनें लगाई गई हैं, तो यह मशीनें जो कि मुंबई स्टेशन में लगाए गए हैं, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुंबई स्टेशन में यह मेघदूत मशीनें लगाई गई हैं, तो यह भारतीय रेलवे द्वारा यह मशीनें लगाई जा रही हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल कहाँ मंदिर बनेगा, तो गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, डी इनमें कोई नहीं। तो हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल का मंदिर जो कि आपके पश्चिम बंगाल में बनेगा, तो हाल ही में जो कि यह जो कि सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक वैदिक तारामंडल मंदिर है, जो कि यह दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्थल है, जो कि पश्चिम बंगाल में जो कि बनेगा, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन, हाल ही में मिस दिवा यूनिवर्स 2022 कौन बनी है, तो सिडनी सेट्टी, दिगिता रॉय, खुशी पटेल, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही मिस दिवा यूनिवर्स 2022 जो कि दिगिता राय बनी है, तो याद रखिए 2022 की मिस दिवा यूनिवर्स दिगिता राय बनी है, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किस देश का सबसे बड़े युद्ध पोत HMS प्रिंस ऑफ वेल्स क्षतिग्रस्त हुआ है, तो UK, फ्रांस, डेनमार्क, डी इनमें से कोई नहीं। तो हाल ही में फ्रांस के जो कि सबसे बड़े युद्ध पोत है HMS जिस प्रिंस ऑफ वेल्स जो कि क्षतिग्रस्त हुआ है, जो कि एक युद्ध पोत है जो कि फ्रांस का है, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बने, तो जेब बेजोस, गौतम अडानी, बर्नार्ड अर्नाल्ड या डी इनमें कोई नहीं। तो हाल ही में दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति गौतम अडानी बने हैं, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि दुनिया के तीसरे सबसे धनी व्यक्ति गौतम अडानी बने हैं, तो इसका भी ऑप्शन सही हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी NCERB रिपोर्ट के अनुसार बलात्कार के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है, तो मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो हाल ही में NCERB रिपोर्ट के अनुसार जो कि बलात्कार के मामले में जो कि राजस्थान जो कि यहाँ पर शीर्ष स्थान पर रहा है, तो यह रिपोर्ट NCERB रिपोर्ट के अनुसार बलात्कार के मामले में राजस्थान जो कि शीर्ष जो कि राजस्थान राज्य आपका शीर्ष स्थान पर रहा है, तो इसका सी ऑप्शन राजस्थान सही आंसर हो जाएगा। तो आज के करंट अफेयर्स कैसे लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, चैनल अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।